तीसरी बार फिर से तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की जीत और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ। विधानसभा चुनाव में बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति पार्टी को बहुमत के साथ विजय प्राप्ति के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पेश। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव में बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति पार्टी को बहुमत के साथ विजय प्राप्ति के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पेश की गई। खादिम पीर सैयद सुल्तानुल हसन मिसबाही की सदारत में सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्ला अलही के मजार पर यह चादर दोपहर में जोहर की नमाज बाद पेश की गई। दरगाह कमेटी के दफ्तर से चादर का जुलूस सूफियाना कव्वालियों के साथ ख्वाजा साहब के आस्थाना शरीफ में पहुंचा, जहां खादिम मिसबाही ने सभी को जियारत कराई और दस्तारबंदी कर दरबार का तबर्रुक पेश किया। तेलंगाना से अजमेर पहुंचे इस डेलीगेशन के मुखिया सैयद मोइनुद्दीन ने बताया कि उनके राज्य में आगामी 30 नवंबर को 119 विधानसभा सीटों पर चुनाव की वोटिंग होनी है। यही वजह है कि तीसरी बार फिर से तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की जीत और उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ की गई है। खादिम सैयद सुल्तान हसन मिसबाही के अनुसार तेलंगाना डेलीगेशन ने ख्वाजा साहब के दरबार में चादर पेश कर केसीआर के लिए दुआ मांगी है और आंध्र प्रदेश दरगाह हजरत शाह सैयद बुखारी रहमतुल्ला अलैह के सूफी अल्ताफ बाबा की तरफ से भी हाजिरी दी गई है। जो अपनी पार्टी है बीआरएस की, उसकी तरफ से आज गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश की और अल्ताफ बाबा की तरफ से भी फूल पेश किए, सैयद साहब बुखारी शाह की तरफ से भी फूल चादर पेश किए और ये सब लोग आए उस पार्टी को सरकार गरीब नवाज कामयाबी अता फरमाए, उसको अपने अच्छे वोटों से जिताए और ये सब उसी पार्टी का काम कर रहा है। सरकार उसी पार्टी की चादर ये लेकर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार में चादर भी पेश करी और दुआ करी। सीआर साहब की गवर्नमेंट के लिए नेक्स्ट टाइम दो टाइम सीएम बने हुए हैं, उन्होंने तीसरे टाइम भी सीएम बनने के लिए हम लोग चादर लेके आए हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तीसरा टाइम भी उन्होंने सीएम बनना बोल के हमारी काविश है, उनके लिए चादर लेके आके हजरत के पास पेश करें, जो भी लंगर कराए उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए और एक बार सीएम बने, गवर्नमेंट को वो करे, उनके लिए दुआ करने के लिए आए।